लबा व तालबात आदाब आज के इस लेक्चर में आपका खैर मकदम है आज के हमारे लेक्चर का उनवान है मीर अनीस की रुबाई गोई मीर अनीस उर्दू जुबान के अजीम शायरों में शुमार होते हैं इस बाक़माल शायर ने सिनफ मरसिया को जिस बुलंद मकाम और मरतबा को पहुँचाया इससे आगे ले जाना किसी के बस का रोग नहीं है बेशक अनीस ने मरसिया में आला पाया की शायरी के नमूने छोड़े और उन्हें दुनिया की किसी भी ज़ुबान की अजीम शायरी के मुकाबले में रखा जा सकता है इसके बावजूद उर्दू रुबाई के दामन को वसी करने में जो अनीस ने एक कारनामे अंजाम दिए वो किसी भी सूरत में कम पाया नहीं अनीस की रुबायाँ कमियत और कैफियत दोनों के एतबार से फ़नकारी का एक आला नमूना है इसी सब से सैयद इमदाद असर ने फरमाया है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू में रुबाई निगारी की शर्ब रख ली असल बात ये है कि इन दोनों मशाहिर ने उर्दू रुबाई को खाक से उठाकर अर्श पर बिठा दिया चनाचब मरसिया के साथ साथ अनीस ने रुबाई में भी अपनी जुदत तबा और कलामी के जौहर दिखाए हैं हकीकत में अनसो दबीर तक आते आते चंद शायरों को छोड़कर तमाम शो, शोरा ने या तो मुंह का जायका बदलने के लिए या फिर अपनी कादरुल कलामी दिखाने या महज इसलिए कि तमाम असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई का फख्र हासिल हो रुबाई में इजहार ख्याल किया है मीर अनीस ने ऐसी किसी मजबूरी या जज्बे के तहत रुबाई को गले से नहीं लगाया जिसका सबूत ये है कि बकोले डॉक्टर सलाम संदेलवी अगर अनीस मरसिया न कहती तो उनकी रुबाइयाँ ही इस कदर बुलंद मरतबत थी जो उनकी हयात अबदी की जामिन बन जाती मीर अनीस का अहम कारनामा ये है कि उन्होंने रुबाई को मजलसों में बारियाब किया मीर अनीस जिन मजलिसों में रुबाई पढ़ते थे वो आम नोयत की मजालिस नहीं होती थी बल्कि उनमें अकीदतमंद हजरा मौजूद होते थे जो दीन से गहरी वाबस्तगी रखने के साथ साथ अपनी रिवायतों के भी परस्तार होते थे इस फ़ा के तकदस ने अनीस की रुबाइयों में तख्लीकी मौजू और फनी सतह पर निखार पैदा कर दिया क्योंकि ये रुबाइयाँ मरसिया के आगाज में पेश की जाती थी और इनका मकसद हाजरीन मजलिस की तवज्जो को एक मरकज की तरफ मुतव कराना था ताकि वो उस चीज के लिए हम तन गोश हो जाए जिसके लिए वो जमा हुए थे इस मौजूदी मजहबी क़ैद में अगर मौजुआत और मजामीन को छूना भी नामुमकिन बन जाता है मगर अनीस का कमाल ये है कि इस तरह की कैद के बावजूद उन्होंने अपनी रुबाइयों को आफाकियत और अमूमियत के अनसर से खाली होने न दिया क्योंकि वो जानते थे कि जिस मजलिस में रुबाई पेश हो रही है उसमें मुसलमानों की कसरत के साथ साथ दूसरे मजाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं मुसलमान हाजरीन में भी हर फिरके और मकदब फिक्र के लोग ज, जमा होते थे अली जवाद जैदी फरमाते हैं कि अनीस की रुबाइयों के आफाकियत और अमूमियत का सरचश्मा उनकी अदबी मशरबी और वसील नजरी है ये मशरबी वो शराफत नफ्स और अखला के आमा के ख़जानों से लाते थे उनकी गर्मी और खलूस हर पढ़ने और सुनने वाले को मुतासर करते हैं अकदार आलिया और वसीुलबी अनीस की रुबाइयों की खसूसियत है रबायात मीर अनीस की एक और खसूसियत उनकी दुरुबीनी और खुदकलामी है अनीस किसी भी मौजू मजमून या ख्याल को रुबाई का जामा पहनाते हुए खारिजी हकायक को भी दाखिली बनाते हैं इस खसूसियत ने उनकी रुबाइयों में सोज़ो गदाज और असर अंगेजी का अनसर पैदा किया है अनीस खतीबाना और दाइयाना लहजे में भी अपनी ज़ात की तरफ मुराजत करते हैं मिसाल के तौर पर उकबा के हर काम से नाकाम है तू इस वक्त में भी तालिब आराम है तू एवाए अनीस पुख्तकारी ये तेरी सब बाल तो पक गए मगर खाम है तू ये दरूबीनी और खुद कलामी का अनसुर किसी हद तक गजल के लहजे से मुस्तार नजर आता है फर्क ये है अनीस का लहजा मतानत संजीदगी और वक़ार से पुर है इसमें कहीं नाहवारी और झोल दिखाई नहीं देता अनीस की रुबायों में अखलाकी मजामीन की फरावानी है अनीस के अखलाकी अकदार ही उनके फलसफे हयात का सरच्मा है मीर अनीस अपनी रुबायों में जगह जगह पर इब आदम में बे इतफाकी लोगों के अंदेश बातिल में गिरफ्तार होने दुनिया की फरीब कारियों, इंसान की खुद गर्जियों नफ्स आमारा के फितना व फसाद जमीन व आसमान की बेमहरी के साथ साथ खाकसारी की फजीलत और सुखन की नेमतों का जिक्र करते हैं अख़लाकी मौजुआत के ताल्लुक से मीर अनीस ने दुनिया की बेसबाती को एक अहम मौजू के तौर पर बरता है अनीस की इस तरह की रुबाइयों में दुनिया की बेसबाती और हयात की फना पजीरी का बयान एक अलग अंदाज और आहंग में मिलता है इस सिलसिले में भी अनीस ने ग़ज़ल की रिवायत से इस्ता किया है मगर हर हाल में अपनी इनफरादियत और नुदरत ख्याल को हाथों से जाने न दिया वो यूं के अनीस दुनिया की बेसबाती और इंसानी हयात के आर्जी और मुस्तार होने पर वाविला नहीं करते बल्कि उन्हें मौत पर पुख्ता यकीन है और वो आमाल हसना से मौत का मुकाबला करने की तरगीब देते हैं जिस दम नजदीक वक्त रहलत होगा यारो क्या ही मकाम हसद होगा कोई अमल नेक न होगा जुज आखिर को वही रफीक तुरबत होगा क्यों आज दिला ख्याल फरदा न किया भूला जो बुरे वक्त को अच्छा न किया पैदा किया सब कुछ तो मगर आह अनीस, ज़ादे सफरे मर्ग मुहैया न किया मीर अनीस अनस अली जवाद वैदी एक लम्हे के लिए भी अखलाक मकासदो अकदार का दामन छोड़ने के रवादार नहीं है इसलिए वो दिल से दिल तक मुंतकिल करने वाले लहजे को तरजीह देते हैं और, और मुआजत के आमियाना रवैये से किनारा कशी इख्तियार करते हैं तहजीब व तोजुन का मुसलसल अमल उनकी रुबाइयों सलामों और मरसीियों में यकसा तौर पर जारी और सारी है चनाचे इस खसूसियत की बिना पर अनीस की रुबाइयों में वहदत तासुर, वहदत फिक्र और रियायत लफजी के जवाहर आबदार और फनी तवाजुन की खूबियाँ पैदा हो गई हैं देखिए किस तरह एक आम ख्याल को दिल दिलफरेब पैराया में बयान किया है के बात दिल में उतरती है क्यों जर की हवस में आबरू देता है नादा ये किसे फरेब तू देता है लाजिम नहीं अपने मुंह से तारीफ अपनी खालिस है जो मुश्क आप भू देता है मीर अनीस की रुबाइयों का कसीर हिस्सा सना और ना तो मनकबत पर मबनी है मीर अनीस खुदा तला की हमत और कुदरत के जल्दों का मुशाह कई से करते हैं मुशाह हक की इस गुफगू का अंदाज भी निराला है सुना के बयान में जो तशबीत इसतारे औरतें इस्तेमाल हुई हैं उनके तलाजमत से एक कसरुलजहत मानवी निज़ाम सूरत पजीर हो जाता है जो हर तरह से खालको मखलू के मुफकिराना तस्वूर पर मंतज होता है मजमू तौर पर अनीस के यहाँ खालक व मालिक के एहसान और इकराम को महसूस करने को ही बंदगी का दर्जा हासिल है आदम को अजब खुदा ने रुतबा बख्शा अदना के लिए मकाम आला बख्शा अकलो हनरों तमीजो जानो ईमान इस एक कफ खाक में क्या क्या बख्शा इस रुबाई में जहां आदम को कफ खाक कहा गया है वहीं मकाम आला अकल हुनर व तमीज़ के साथ साथ जानो ईमान की इनायतों का भी ज़िक्र हुआ है अनीस का तस्वर ये है कि महज जान ही इंसान को दर्जे उला अता नहीं करती बल्कि जान तो एक वसीला है जो इस कफे खाक को अक्ल हुनर तमीज और ईमान के जवाहिर से मुनवर करके इसे अशरफुलमखलूक की बुलंदियों तक पहुँचाता है हमने कभी असिया से किनारा न किया पर तू ने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया हमने जहन्नम की बहुत की तदबीर लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया मीर अनीस को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की जती मुबारक से नहायत अकीदत और मोहब्बत है चनाच वो बड़े एहतराम और जज्बे इरादत से हजूर पुरनूर की ज़ाते वाला सि सिफात की मदह करते हैं नात कहना हर किसी के बस की बात नहीं इसके लिए शरत अवल उस उसकद से गहरी मोहब्बत और अकीदत है बाद में इरफान व इदराक कीवत से उन खूबियों और एहसान का मुशाह और उनका बयान मुमकिन हो जाता है जो उस बाबरकत से वस्ता है इस रास्ते में बड़े बड़ों ने ठोकर खाई है या फिर गालिब की तरह गालिब गालिबनाए ख्वाजा कहकर इज्ज बयान का इजहार किया है मीर अनीस को इस बारह से भी भीदत नसीब हुई है मुलाजा हो किस तरह रसूल खुदा सल्लाम के एक मुआवजे का जिक्र किया है आदम को ये तोहफा ये हदिया न मिला ऐसा तो किसी बशर को पाया न मिला अल्लाता फते तने पाके रसूल ढूंढा किया आफ्ताब साया न मिला मीर अनीस ने हजरत अली अलरात वसलाम की शान में कई रुबायाँ कही हैं मगर उन्होंने बाज़ रुबाइयों में ये ख़ूबसूरत इल्तज़ाम रखा है कि जहाँ मधे रसूल अलैहि वसल्लम हो रही है वहीं इब्न तालिब की तारीफ का भी पहलू निकालते हैं अगरचे रसूल खुदा अलैहि वसल्लम की जात पाक मुजस्मे अवसाफ थी और अल्लाह ताला ने आपको सब अल्ताफ इकराम से नवाजा था लेकिन उनकी ज़ मबारक में हजरत अली सलात वसलाम का मकाम वही है जो फूल में खुशबू का होता है अनीस के एक रुबाई यूं है शायां थे उन्हीं के शान बर्तर के लिए एजाज ये दो दोनों बरादर के लिए शक्ल कमर रजत खुर्शीद मुबीन अहमद के लिए वो और ये हैदर के लिए अनीस ने इन मुतबरक शख्सियात के अलावा नहायत गहरी अकीदत और मोहब्बत के साथ हजरत इमाम हुसैन अलात वाम की मदह में रबायाँ कही है मोहब्बत अकीदत और इरादत का ये आलम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलात वाम की मदह को अनीस वो जौहर मानते हैं जिससे उनको मुल्क सुखन की बादशाही मैसर आई है रुतबा न हो क्यों नज्म में बरतर मेरा मद्दाहिए शब्बीर है जौहर मेरा मुमकिन नहीं बाद भी कत सुखन खामे की तरह अगर कटे सर मेरा हजरत इमाम अली मकाम के अलावा जिन मुकद्दस शख्सियात की मदह में मीर अनीस ने रुबायाँ कही हैं उनमें अहल बैत के साथ साथ वो हज़रात भी हैं जिन्होंने करबला के मैदान में हक़ का साथ दिया चनाच जहाँ हज़रत जैनब असलातलम हज़रत अब्बास रजा तनुजरत अली अकबर अलातम हज़रत आबिद, हज़रत रज़ा आसात कासिम कासम और हज़रत सज्जाद का ज़िक्र हो रहा है वहीं हज़रत हुर सलात उसम का नाम गरामे भी आता है देखिए किस तरह एक ही रुबाई में हजरत हुर के साथ बुलंद मरतबद शख्सियात का जिक्र किया गया है हुर ने मिकदार का मुकद्दर पाया इस्लाम भी सलमान के बराबर पाया अम्मार की तरह पाई उम्र जावेद जर छोड़ा तो रुतबे अबू जर पाया मीर अनीस ने खातून जन्नत की शान में बहुत सी रुबाइयाँ कही हैं हजरत फातिमत ज़हरा सलात वाम की ज़ात वाला सिफात के साथ भी वो अपनी गहरी अक़ीदत ज़ाहिर करते हैं इनके अलावा जिन मुक़दस शख्सियात का जिक्र किया है उनमें हज़रत ईसा आलात वाम हजरत ऐब सलामाम हजरत खलील अलह सलाम हज़रत यूसुफ वसलम हज़रत आदम सलासम और हज़रत नूह सलाम के असमायी ग्रामी काबिल हैं इन सब शख्सियात का ज़िक्र मीर अनीस तलमियाती शान के साथ करते हैं देखिए कैसे एक ही रुबाई में हजरत अलीलाम की मदह बयान की है कि मुश्किल कुशाई भी सामने आ जाती है और जिन हजरात की मुश्किलों का जिक्र हो रहा है वो किससे भी ताज़ा हो जाते हैं शाहान जहाँ सब हैं गदाए हैदर है, है अब्रे करम दस्ते सखाए हैदर याकूबो खलीलो यूसुफ़ो आदम व नूह सबकी मुश्किल में काम आए हैदर गलाम मीर अनीस का एक बेच बहास सरमाया उनकी रसाई रुबायाँ हैं अगरच अनीस से कबल भी इस तरह की रुबाइयाँ कही जाती थी मगर अनीस ने बकोले जवाब जैदी रुबाई की इस शाख रसाई को कमियत और कैफियत दोनों के एतबार से बावसूख मोतबर और शक्का बना दिया अनीस रसाई रुबाइयों में वाकई करबला की जुज्त का जिक्र बहुत दर्दनाक लहजे में करते हैं अनीस मुक्ा निगारी वाक निगारी और ज़ुज़ियात निगारी के फ़न में यद तूला रखते हैं अगरच इस फन के कमाल उन्होंने मरासी में खूब दिखाए हैं मगर रुबाइयों में भी इस तरह के जलवे किसी तौर कम नहीं खेमा लबे नहर शह को करने न दिया पानी भी बहशतियों को भरने न दिया पहली यही दावत थी कि मल उन दरिया पे मुसाफिर को उतरने न दिया और एक रुबाई खूबाई का शह के रूबरू था प्यासे का लहू किनारे जू था, था बीच में सक्का हरम का लाशा दरिया तो उधर इधर बहता लहू था मीर अनीस ने जिस तरह अपने मरसियों की एक छाप छोड़ी और नस्ल दर नस्ल सुखनवरों को मुतासर किया है इसी तरह रुबाइयों में भी एक नए मिजाज और रंग व आहंग की बुनियाद रखी अनीस की रुबायाँ तादाद में भी ज़्यादा हैं और इस पर ये तुर्रा कि उनमें मज़ामीन की जो फरावानी है उससे आज तक कोई भी रुबाई को शायर मुतासर हुए बगैर न रह सका इस बात अनीस ने बजा तौर पर फख्र भी किया है गुल्हा मजामीन को कहाँ बंद करूँ खुशबू नहीं छुपने की जहाँ बंद करूँ मैं बाऐसे नगमा बुलबुल बुलबुलूँ खोले न कभी मुँह जो जुबा बंद करूँ इसी के साथ आज के इस लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है उम्मीद है आपने इस तकरीर से खूब इस्तेफादा किया होगा हमें इजाजत दीजिए आदाब।